नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में 21 मई को हुई घटना की निष्पक्ष जांच करवाने व वीसी को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार राय की एक रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के छात्र अखिल साहू की मृत्यु पर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जोर शोर से प्रदर्शन किया गया, उसका भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई समस्तीपुर ने समर्थन दिया। और इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अभिमन्यु अंशु, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष एकलाखुर रहमान, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष राजन कुमार वर्मा, विवेक कुमार, राजीव कुमार, कन्हैया कुमार, राजा कुमार, रिजवान अहमद आदि लोग मौजूद थे। और पूसा प्रखंड कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से समस्तीपुर के एनएसयूआई छात्रों द्वारा की गई मांग। पहला मांग, पूरे प्रक्रम की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हेतु कुलपति तथा रजिस्टर को तत्काल पद से हटा दिया जाए। सभी शहीद अखिल साहू के संस्थागत हत्याकांड जांच कराई जाए। मृतक छात्र सहित अखिल साहू के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी तथा 50 लाख मुआवजे दिया जाए। छात्रों पर किए गए फायर वापस लिया जाए। हॉस्टल खाली करने की तुम तलकी आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। वापस में फंसे छात्र छात्राओं को हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाए। सभी शिक्षण और शोध कार्य तुरंत शुरू किया जाए तथा परीक्षण समय पर लिया जाए, ताकि छात्रों का शिक्षण सत्र में कोई विलंब न हो। साथ घटना होने के बाद कॉलेज को 21 दिनों तक बंद कर दिया गया। इसीलिए सभी एनएसयूआई समस्तीपुर के छात्रों ने आंदोलन किया। यदि पुनः हमारी मांग को पूरी नहीं करती है और पुनः कॉलेज को संचालित नहीं करते हैं तो हम लोग घोर प्रदर्शन करेंगे। आज आप लोग किस बात के लिए धरना दिए हैं? देखिए, आज हम पूसा कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में आज हम लोग जो है छात्र संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, अखिल साहू का एक्सीडेंट से जिस तरह से उसका मृत्यु हो गया है इलाज की लापरवाही से, ये कहीं ना कहीं ये कृषि विश्वविद्यालय जवाबदेह है। आज बताइए कि इसमें जिस तरह से अस्पताल में 200 करोड़ के लागत से अस्पताल बनाया गया, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया गया। अगर फर्स्ट एड अगर हो जाता यहाँ तो वो आज हम लोगों के बीच में रखता, इसलिए आज हम लोगों ने उसको लेकर आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं। और लाश के साथ जिस तरह से अभद्रता, जिस तरह से लापरवाही बरती गई है वीसी द्वारा, और बताइए आपके छात्र आपके यूनिवर्सिटी का वो आपका दुश्मन नहीं है, और छात्र जब आपसे मिलने गया उस पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग किया गया, उसमें एक छात्र भी घायल हो गया, इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे वीसी को अविलंब बर्खास्त करें, नहीं तो और हम लोग आंदोलन करेंगे। और वीसी का सबसे बड़ा जो है, जो इस तरह से छात्र पे जो आरोप लगाया है कि वो ड्रग्स पैडलर था, शराब बेचता था, तो हम भी इस पे हम जांच की मांग करते हैं। अगर वो ये बात सत्य है तो कहीं ना कहीं वीसी इसमें संलिप्त है। वीसी का अगर बगैर वीसी का ये ड्रग्स और शराब बिक नहीं सकता है। इस ढंग से लास्ट पे भी वीसी जो राजनीति कर रहे हैं, और छात्र पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, और झूठा FIR जो किया गया उसको अविलंब बर्खास्त करें, अविलंब वापस लें। अगर वापस जब तक नहीं लेगा तब तक कांग्रेस की लड़ाई लड़ती रहेगी। अखिलाखुर रहमान सिद्दीकी, समस्तीपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष।